अक्सर हम जो सोचते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं होता, और कई बार इसी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, दूसरे लोगों को आगे बढ़ते देखना और फिर ये सोचना कि भाई हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, हम ऐसा क्या करें जो हम भी बहुत अच्छा काम करें, खुश रहें, और ऐसा हो नहीं पाता। और ऐसे में हमें ये लगता है कि काश कोई हमें समझा दे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में कोई नई रोशनी लेकर आए। और ऐसे ही आज हम मिलेंगे हिमानी जी से, जो बहुत सारे लोगों के जीवन में नई रोशनी लेकर आई है। हिमानी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि लाइफ हैप्पीनेस कोच क्या होते हैं मैम? यस। सो जैसे हम स्कूल में थे, हमको मैथ्स नहीं आता था, तो मैथ्स के बारे में हम ट्यूशन में जाते थे, टीचर्स के पास जाते थे, स्कूल में हमें सिखाया जाता था, राइट। अगर मुझे कराटे सीखना है तो मैं कराटे के सर के पास जाऊँ, मैं स्केटिंग सीखना है, पेंटिंग सीखना है, डांस सीखना है, तो उसके एक्सपर्ट के पास हम जाते हैं। जिंदगी के इतने सारे सब्जेक्ट के बारे में तो हम ज्ञान लेते हैं, बट लाइफ को कैसे जीना उसके बारे में कौन सिखाएगा? सो ये टीचिंग तो ना हमें स्कूल में मिलती है, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में। तो दैट्स वाई एक नया ही सब्जेक्ट जो आज उभर के आ रहा है, बिकॉज आज का ज़माना ही ऐसा है, इतना स्ट्रेसफुल लोग रहते हैं, अनहैप्पी लोग रहते हैं, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो सब्जेक्ट सिखाया जाता है, हाउ टू स्टे पॉजिटिव, हाउ टू बी हैप्पी, तो वो जो सिखाने वाला पर्सन होता है उसको लाइफ कोच, हैप्पीनेस कोच कहा जाता है, जो आपको ज़िंदगी को जीने का गाइडेंस देता है। मैम कहते हैं मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका दोस्त है, पर आजकल तो लगभग सारे युवाओं के लिए मन तो शत्रु का ही काम कर रहा है, तो ऐसे में अपने चंचल मन को कैसे संभाला जाए? ओहो, बहुत बड़े ज्ञान का प्रश्न आपने मुझे शॉर्ट में पूछ दिया। यस, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न ही है कि मन को कैसे संभाला जाए। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। हम इसके ऊपर जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं लोगों को, हम एक एक हफ्ते के रिट्रीट पे ले जाते हैं, हिमालय के पहाड़ों में ले जाते हैं और नॉन स्टॉप 12-12 घंटे ट्रेनिंग देते हैं, तभी भी कई बार ये प्रश्न वैसा का वैसा रहता है, बिकॉज ये बहुत बड़ी चैलेंज है। बट इसको आप रेगुलरली प्रैक्टिस से, एवरीडे की हैबिट से डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये सिखाते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में ये सिखाया जाता है कि माइंड बहुत ही चंचल है और माइंड ही है जो हमें सब कुछ देता है, माइंड ही डिस्ट्रॉयर है, माइंड ही क्रिएटर है। तो सच में ज़िंदगी में कुछ क्रिएट करना है, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना है, तो मेडिटेशन कीजिए। सो मेडिटेशन से आप अपने चंचल मन को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिटेशन रिट्रीट्स होती है, उसको अटेंड कीजिए, सारी चीज़ों को सीखिए, प्रैक्टिस में लाइए, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। मैम, आप आजकल सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो क्या इंट्रोवर्ट होना गलत है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट दोनों अपने आप में पर्सनालिटीज़ है, और दोनों पर्सनालिटी अपने जगह पे सही है। गलत तब हो जाता है कि अगर मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ और फिर मैं पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में जाना चाहती हूँ, या मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं मार्केटिंग या सेल्स संभाल रही हूँ। तो जैसी आपकी पर्सनालिटी है वैसा काम अगर आप चूज़ करते हैं, आप इंट्रोवर्ट है तो आप आईटी कर लीजिए, और आप अगर अपने कंप्यूटर के साथ ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं है तो आप इस चीज़ को इन्जॉय कर पाएंगे। बट अगर आप इंट्रोवर्ट है और फिर आप सेल्स का काम संभालते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और मैं जैसे एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ, और मुझे अगर आप एक बंद कैबिन में बिठा देंगे तो मैं परेशान हो जाऊँगी। तो दोनों पर्सनालिटी अपने अपने सही है, बट आप अपना फील्ड गलत मत चूज़ करिए, बिकॉज वरना फिर लगेगा कि यार मेरे में ही कोई गलत फहमी है या मेरे अंदर ही वो खोट है। बट खोट वहाँ नहीं है, सिलेक्शन करने में, काम के सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम है। बट अदरवाइज बोथ पर्सनालिटीज़ आर परफेक्टली ऑन देयर पोजिशंस। मैम, लेकिन कई बार ये होता है कि जो काम हमें पसंद होता है उसमें भी सफलता नहीं मिल पाती। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक्टिंग पसंद रहता है, वो चले तो जाते हैं पर इतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। फिर उसके बाद वो लोग कुछ ही कुछ और करना चाहते हैं पर उसमें भी नहीं हो पाते, तो उन लोग फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर करना क्या है। ओके, तो इस प्रश्न के लिए सिंपल ये साइंस है कि हर चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा है, चलो मुझे अभी डांस करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रही हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डांसर बन जाऊँ, राइट। कभी भी कुछ भी सिलेक्ट करना है, मज़ा आना और पैशन होना ये बहुत अलग चीज़ है। क्रिकेट खेलने में आधे इंडिया को मज़ा आता है, बट क्या पैशनेटली पागलों की तरह विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी जितना आप क्रिकेट खेल सकते हैं, क्या उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या उतना मैडनेस आपके अंदर है? अगर उतना पैशन है तभी क्रिकेटर बनने का सपना देखिए, क्योंकि छोटे मोटे शौक तो हर एक को होते हैं, शौक को नहीं, पैशन को प्रोफेशन बनाना है, पैशन को कन्वर्ट करना है। एक्टिंग करने में शायद किसी को मज़ा भी आ रहा हो, बट अमिताभ बच्चन 18 घंटे एक्टिंग करते हैं और वो थकते नहीं हैं, तो क्या इतना पैशन आपके अंदर है? तो अमिताभ बच्चन को अगर सिर्फ देख लिया चलो मैं भी एक्टर बनता हूँ, ऐसे नहीं है। उन्होंने क्या भोग दिया, उन्होंने कितना मेहनत किया। कई बार उनका जो मेकअप होता है वो बताते हैं 15-15 घंटे सिर्फ मेकअप का काम ही चलता है, और फिर वो शॉट देने का काम तो शायद 1-2 घंटे में निपट जाता है। पर क्या आपके अंदर उतना पैशन है कि आप एक शॉट देने के लिए भी इतना मेहनत कर पाए, इतना श्रम कर पाए? तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया को देख के या मज़ा आ रहा है चलो ये कर लेते हैं, ऐसे करियर नहीं बनता। पैशन प्लस योर टैलेंट्स, ये दोनों मिक्स होना चाहिए।
मैम एक लास्ट है कि खुश रहने के लिए क्या किया जाए, मतलब आजकल तो मतलब ऐसा होता है ना कि एक घंटे में आदमी खुश होता है, दूसरे घंटे में वापस वो दुखी हो जाता है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आता चल क्या रहा है, खासकर कोरोना के बाद से. राइट. तो खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए मैम? खुश रहने के लिए मेरे प्रोग्राम में आना चाहिए. हाँ, बिल्कुल मैम, वो तो आना ही है सबसे पहले, बिकॉज मेरा ऑर्गेनाइजेशन ही है हिमानीज हैप्पीनेस हब. हम हैप्पीनेस पे ही काम करते हैं, लोगों को हैप्पीनेस का सब्जेक्ट पूरा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं. बट आपके ऑडियंस को मैं सिंपल कहूँगी कि इतना याद रखिए, इस धरती पे आप मर मर के जीने के लिए नहीं आए हैं, जी भर के जीने के लिए आए हैं. राइट. मरना तो है सभी को एक दिन, पर हम मरने से पहले ही इतना मरते हैं टेंशन ले लेके, और फिर जब सही में मरने का वक्त आता है फिर अफसोस करते हैं कि मैंने ज़िंदगी को जिया ही नहीं. राइट. तो लाइफ में आप यहाँ जो भी काम कर रहे हो, जो भी करने के लिए आए, पर अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस. उसके बगैर आप जो भी कर रहे हैं ना उसका कोई वैल्यू नहीं है. और जो लोग अनहैप्पी होकर कुछ भी करते हैं ना उसको सक्सेस भी नहीं मिलती. आप बता रहे हैं ना कि जो पैशन है और फॉलो करते हैं उसको सक्सेस क्यों नहीं मिलती, उसमें ये रीज़न भी काम करता है, बिकॉज आपका जो भी मूड माइंडसेट एनर्जी होती है वो यूनिवर्स से चीज़ें अट्रैक्ट करती है. अगर आप सैड होकर कोई भी चीज़ करेंगे तो आप सैडनेस अट्रैक्ट करेंगे, बट आप हैप्पी होकर करेंगे तो आप हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे. तो इसीलिए हैप्पी रहना बहुत ही ज़रूरी है. और इस चीज़ को समझ के, जैसे आपका हेल्थ बिगड़ रहा है तो आप समझ से बोले मेरे को एक्सरसाइज करने ज़रूरी है या मुझे डाइट करना जरूरी है, कैसे समझ से अपने अंदर डेवलपमेंट लाते हैं, वैसी ही समझ से ये हैप्पीनेस को भी अपनाना है कि जान बूझ के मुझे खुश रहने की आदत डालनी है. एक दिन आदत बन गई ना तो फिर हैप्पी गो लकी पर्सन आप बनेंगे, जिंदगी में बहुत कुछ पाएंगे. और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि यूट्यूब पे हिमानीज हैप्पीनेस हब हमारा चैनल है, उसको खास सब्सक्राइब कीजिए. ढेर सारे उसमें वीडियोज हैं, तो वो वीडियोज देखने से आपको बहुत सारे अच्छे मैसेजेस और टेक्निक्स सीखने को मिलेगी. एंड प्लस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हिमानीज हैप्पीनेस आपको ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मेरे लाइव प्रोग्राम की डिटेल्स. जैसे आज हम रायपुर छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं, मैं वैसे अहमदाबाद से हूँ, बट ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में मेरे प्रोग्राम होते हैं. तो आप इन चीज़ों को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम में आने का मौका मिलेगा, और वहाँ पे लाइव भी बहुत सारे टेक्निक्स सिखाई जाती है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा. कुछ ही मिनट में मुझे तो बहुत मोटिवेट फील हो रहा है और हमारे दर्शकों को भी होगा. तो आप मैम के प्रोग्राम को बिल्कुल सुनिए और जाइए, और बाकी खबरों के लिए और अलग अलग तरह के रोमांचक चीज़ों के लिए आप बने रहिए न्यूज़बाजी के साथ. नमस्कार.